पवित्र पर्वत पर स्थित श्री पितरेश्वर हनुमान धाम पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी से शुरू हो गया है। ये 3 मार्च तक चलेगा। यहाँ स्थापित 108 टन वजनी हनुमान जी की प्रतिमा को पंच धातु का उपयोग कर पूरी तरह वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। वास्तु के अनुसार प्रतिमा का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर रखा गया है। हवन कुंड भी अग्निकोण में बनाया गया, जिससे अग्नि ज्यादा से ज्यादा जले और पूरे शहर को इसका फायदा मिले। इसकी स्थापना से इंदौर को आर्थिक और व्यापारिक लाभ मिलेगा। पितृ पर्वत पर मूर्ति स्थापना का विचार 2006 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आया था। उसके बाद से लगातार काम करने के बाद 2020 में ये पूरा हुआ। पूरा निर्माण कार्य वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर पंकज अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। मूर्ति का निर्माण ग्वालियर के कारीगर प्रभात राय के सानिध्य में 125 कारीगरों ने 7 साल में पूरा किया। मूर्ति को 264 भागों में 3 साल में ग्वालियर से इंदौर लाया गया। पितृ पर्वत पर मूर्ति के 264 भागों को जोड़ने में 2 साल का समय लगा। प्रतिमा पर फ्रांस से मंगाए गए 150 किलो के 99 कैरेट एक्रिलिक गोल्डन पेंट का उपयोग किया गया है, जो देश में पहली बार किसी प्रतिमा पर उपयोग हुआ है। प्रतिमा के चारों तरफ 5 अलग अलग तरह की लेजर लाइट लगाई जा रही है। इसमें अंधेरे में मूर्ति का तेज वास्तु के हिसाब से भक्तों को दिखाई देगा। लेजर को अग्नि व वायु कोण के हिसाब से लगाया जाएगा। मंदिर 5 एकड़ में फैला हुआ है। पितृ पर्वत पर प्रतिमा की स्थापना का निर्णय होने के बाद पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान की ऊर्जा नापी गई। जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा मिली वहीं मूर्ति स्थापित की गई। जिस तरह मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसी प्रकार मूर्ति में भी सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलधार 7 चक्र स्थापित किए गए हैं। इन चक्रों से मूर्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिसे वास्तु विज्ञान में षडवर्ग के हिसाब से बनाया गया है। चबूतरे के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें हनुमान जी से जुड़ा पूरा साहित्य मौजूद रहेगा। पूर्व दिशा में प्रसाद गृह बनाया गया है। मूर्ति 54 फिट चौड़ी, 71 फिट ऊंची और 108 टन वजनी है। हनुमान जी के सिर के ऊपर जो छत्र है वो 18 फिट का है। उस पर 108 बार राम का मंत्र लिखा हुआ है। 45 फिट लंबी गदा है। मूर्ति के सामने पंच धातु से निर्मित 9x18 फिट की रामायण स्थापित की गई है। प्रतिमा की स्थापना के लिए 121x121 फिट का चबूतरा बनाया गया है, जो जमीन से 14 फिट ऊंचा है। इस मूर्ति के स्थापित होने से इंदौर को आर्थिक और व्यापारिक लाभ मिलेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।